सब्सक्राइब करें सभी किचन को और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का भरता। तो इसके लिए मैं लौकी को धो ली हूँ। अब मैं इसको आग में भून लूंगी। गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसको हम भून लेंगे। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से भून गया है सभी तरफ। अब हम इसको इतना ही भूनेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे भून लूंगी टमाटर को। तो इस तरह मैं टमाटर को भी भून लूंगी। इस तरह से टमाटर भी भून गए हैं। इसको गैस को का फ्लेम बंद करके निकाल लूंगी। इस तरह दोनों को भून ली हूँ। अब मैं इसको छील लूंगी। देखिए चाकू की क्या सहायता से हम इसको छील लेंगे। इसी तरह टमाटर को भी छील लूंगी। देखिए लौकी को हम छील लिए हैं और टमाटर को भी अब मैं छील लूंगी। इस तरह मैं लौकी का छोटा छोटा पीस कर लूंगी। इस तरह मैं इसको छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ। अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। हम इसको ग्राइंड करने के लिए डाल देती हूँ। इस तरह मैं लौकी का पेस्ट बना ली हूँ। इसी तरह मैं टमाटर का भी पेस्ट बना लूंगी। इसी तरह टमाटर को भी कट करके मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। इस तरह मैं इसका कट कर लेती हूँ और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसी तरह टमाटर का पेस्ट भी रेडी है। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी तेल 2 बड़े चम्मच। तेल गर्म हो चुका है। मैं डालूंगी इसमें सरसों, प्याज। इस तरह मैं इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। प्याज भून चुका है, हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। साथ ही साथ डालूंगी मैं इसमें टमाटर के प्यूरी को और डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर। अब इन सबको मिक्स करके 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इस तरह 1 मिनट हो चुका है, मसाला अच्छे से भून चुका है। इसमें तेल भी छूटने लग गया है, देख लीजिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी लौकी को। मिक्स कर लेंगे। इसी तरह इसको लगभग 3 से 4 मिनट और भून लूंगी, पका लूंगी। इस तरह लगभग 4 मिनट होने के बाद हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। और देखिए सब्जी बनकर रेडी है। अब मैं इसमें डाल लूंगी हरा धनिया और लास्ट में गरम मसाला। इसको मैं मिक्स कर लूंगी और गैस का फ्लेम मैं बंद कर लूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ये बिल्कुल फ्री है। मिलती है एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।